अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेसर, रैम, रोम, एक्सपेंशन स्लॉट्स। ये हमारे टॉपिक्स हैं और हम इन पर ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर पर हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ प्रोसेसर? प्रोसेसर वर्क्स लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। इट इज़ अ सिलिकॉन चिप फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड। इट्स प्राइमरी पर्पज़ इज़ टू कैरी आउट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस द डाटा एफिशियंटली एंड एक्यूरेटली। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सी पी यू। सी पी यू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो सी पी यू क्या है? सी पी यू के दो पार्ट्स, सी पी यू, ए एल यू। ए एल यू मीन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स एंड सी यू, सी यू मीन कंट्रोल यूनिट्स। और ए एल यू के फर्दर दो पार्ट्स हैं, ए यू, अरिथमेटिक यूनिट्स और लॉजिक यूनिट्स। तो हम इसके दो पार्ट्स को ब्रीफली चेक करते हैं। द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोसेसर आर ए एल यू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स एंड कंट्रोल यूनिट्स। ए एल यू फर्दर हैज़ टू पार्ट्स, ए यू अरिथमेटिक यूनिट्स एंड एल यू लॉजिक यूनिट्स। तो अरिथमेटिक्स यूनिट्स क्या करते हैं? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स आल मैथमेटिक एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व इन दिस पोर्शन ऑफ द प्रोसेसर। इट कंसिस्ट ऑफ अरिथमेटिक यूनिट्स एंड लॉजिक यूनिट्स। अब अरिथमेटिक यूनिट्स और लॉजिक यूनिट्स के आगे अलहदा अलहदा काम करते हैं। ए यूनिट्स मीन अरिथमेटिक यूनिट्स इज अ पार्ट ऑफ ए एल यू। इट परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो इसमें जमा, माइनस, तफरीक, तकसीम वगैरह इसमें होते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर 2 + 2 = 4, 4 - 1 = 3। तो ये अरिथमेटिक यूनिट्स का परफॉर्मेंस है, ये काम करता है। तो लॉजिक यूनिट्स क्या करते हैं? लॉजिक यूनिट्स जो है ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन देते हैं, ये सही है या गलत। मीन लॉजिक यूनिट इज पार्ट ऑफ ऑल्सो ए एल यू। इट कंपेयर्स टू क्वान्टिटीज एंड गिव्स आंसर टू इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल 5 + 3 = 8 = 2, 5 + 3 = 7 = फॉल्स, 5 > 3 = 2, 5 < 3 = फॉल्स। तो ये लॉजिक यूनिट्स जो है इसकी ट्रू और फॉल्स में होते हैं। तो इसका फर्दर अगला दूसरा हिस्सा जो है कंट्रोल यूनिट्स। तो जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया गया है, तो क्या कंट्रोल करता है? जैसे एक पुलिस वाला ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है, इसी तरह ये सारी कम्युनिकेशन को, प्रोसेसर की को कंट्रोल कर रहा होता है। द कंट्रोल यूनिट्स कंट्रोल कोऑर्डिनेट्स एंड डायरेक्ट्स ऑल द ऑपरेशन परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। इट डज नॉट एग्जीक्यूट एनी इंस्ट्रक्शन इट्सेल्फ बट डायरेक्ट्स द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टू कैरी देम आउट। इट वर्क्स लाइक ए ट्रैफिक पुलिसमैन who controls the movements and flow of the traffic. Similarly, control unit maintains the sequence and flow of instruction which are to be processed. तो ये पुलिस में इनका किरदार अदा कर रहा था, जितनी भी इंस्ट्रक्शन, जितना भी डाटा फ्लो हो रहा था वो उसको ये कंट्रोल कर रहा होता है। आगे हमारा आ गया है टॉपिक मेमोरी। मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, प्राइमरी मेमोरी मीन रैम एंड रोम। तो मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप। मेमोरी स्टोर्स इंस्ट्रक्शन एंड डाटा सो दैट सी पी यू कैन प्रोसेस देम। इट इज़ वर्किंग स्पेस ऑफ द कंप्यूटर। मेमोरी हैज़ टू टाइप्स, रैम, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो रैम और रैम में अब फर्क, रोम में क्या फ़र्क है ये हम पढ़ते हैं। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ ए टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर द डाटा बिफोर एंड आफ्टर इट इज़ प्रोसेस्ड। इट इज़ अटैच टू द मदरबोर्ड। रैम इज़ अ वोलेटाइल। तो रैम क्या है? जब तक ये काम कर रही है इसके अंदर का जो डाटा है वो स्टोर रहता है। जब आप कंप्यूटर खुद बंद करें या इलेक्ट्रिसिटी से बंद हो जाए तो इसमें जो डाटा होता है वो तमाम जो लॉस हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है। तो ये कंप्यूटर जो है मदरबोर्ड उसके ऊपर ये रजिस्ट करता है। तो इंफॉर्मेशन इज़ लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ। फॉर एग्जाम्पल समवन इज टाइपिंग ए लेटर ऑन द कंप्यूटर एंड पावर गोज ऑफ, द कंटेंट्स ऑफ द लेटर विल बी अरेस्ड फ्राम रैम इफ इट इज़ नॉट सेव्ड। अगर आपने लेटर टाइप कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी अचानक चली जाती है तो तमाम जो डाटा है आपका है वो वास्ट
वेस्ट हो जाते हैं अगर आपने उसको सेव नहीं किया हुआ। तो व्हेन समवन टेल्स यू दैट योर कंप्यूटर डज नॉट हैव इनफ मेमोरी, इट मींस दैट योर कंप्यूटर डज नॉट हैव इनफ रैम। तो रैम की जो कम ज़्यादा होना आपके कंप्यूटर की स्पीड से इसका बड़ा ताल्लुक है। तो ये हाउ कंप्यूटर वर्क्स, ये एक थोड़ा सा चार्ट में दिखाया गया है। सबसे पहले क्या है, आप कीबोर्ड या माउस के जरूर थ्रू आप डाटा जो है इसमें इंटर करते हैं, तो प्रोसेसर क्या करते हैं, इसको एक्सक्यूट करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, और इसके बाद है द प्रोसेसर रिट्रीव्स द नंबर्स एंड द इंस्ट्रक्शन टू द एंड टू परफॉर्म द एडिशन। इसके बाद क्या है, तो आप देख रहे हैं कि ये डाटा है रैम में आ जाता है, और इसके बाद रैम जो है दो आगे भिजवा देती है, एक आउटपुट को भिजवा देती है और एक जो है स्टोरेज डिवाइसेस को भिजवा देती है। तो कंप्यूटर का मेन फंक्शन क्या है, इनपुट लेना कीबोर्ड माउस से, प्रोसेस करना प्रोसेसर के ज़रिए, और वो डाटा जो है टेम्परेरी तौर पर कहाँ सेव होता है, रैम के अंदर। और रैम क्या है, आगे फर्दर जो है आउटपुट को भिजवा देती है, मसलन प्रिंटर और मॉनिटर को, प्लस जो है उसको फॉर फर्दर यूज़ जो है यानी कि स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, फ्लैश ड्राइव मीन USB में सेव के लिए स्टोर कर देती है। तो रोम क्या है, रोम इज़ अ चिप, ठीक है। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, इट इज़ अ परमानेंट स्टोरेज एरिया, इट कंटेन्स स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द हार्डवेयर डिवाइसेस, इट इज़ फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड पर फिक्स्ड होते हैं, जितनी भी जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से जितने इसमें बायोस की इंस्ट्रक्शन होती है, और प्लस ऑल कंप्यूटर डिवाइसेस की इंस्ट्रक्शन होती है, और ये इसमें यानी कि बूटिंग फाइल होती है, जो जितने भी यानी कि आप जब एक कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो तमाम जो है वो रीड आउट करती है कि ऑल कंपोनेंट्स को वो चेक करती है, और इसके बाद हैंड आउट कर देती है ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद, ताकि ऑल द इक्विपमेंट्स आर एक्यूरेट एंड देन हैंड ओवर टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके बाद है रोम क्या, रोम इज़ नॉन वोलेटाइल, इट इंफॉर्मेशन इज नॉट लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ, डाटा कैन नॉट बी चेंज्ड और मूव्ड फ्रॉम द रोम, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ रीड ओनली मेमोरी। ये पहले होता था, लेकिन आजकल जो है लेटेस्ट जो रोम आ रही हैं इसमें से डाटा अरेज हो सकते हैं और उसमें दोबारा जो है इंफॉर्मेशन जो है डाले जा सकते हैं। EEPROM, EEP फ्लैश ROM, इनमें डाटा जो है वो डाला जा सकते हैं। तो एक्सपेंशन कार्ड्स क्या हैं, एन एक्सपेंशन कार्ड इज़ अ स्मॉल सर्किट बोर्ड, इट गिव्स कंप्यूटर्स द कैपेबिलिटी टू कंट्रोल स्टोरेज डिवाइसेस एंड इनपुट डिवाइसेस आर एंड आउटपुट डिवाइसेस। बेसिक पर्पज ऑफ एक्सपेंशन कार्ड इज़ टू इनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर। देयर आर फोर मेजर टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन कार्ड्स, चार मेजर टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन कार्ड्स कौन कौन से हैं। नंबर एक साउंड कार्ड, तो इसके ज़रिए क्या है, स्पीकर्स हेडफोन और माइक्रोफोन आर अटैच्ड हियर। ये जो है पोर्ट है, इसमें बताया गया है कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें अटैच हो सकती हैं। साउंड कार्ड का पर्पज़ क्या है, साउंड कार्ड अलाउज अ कंप्यूटर टू रिसीव साउंड इन डिजिटल फॉर्म एंड रिप्रोड्यूस इट थ्रू अ स्पीकर, तो किसको फिर एनालॉग फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है। ग्राफिक कार्ड्स क्या है, जैसा कि आपकी पिक्चर को अच्छे यानी कि ग्राफिक्स में शो करने के लिए हाई ग्राफिक्स लगाए जाते हैं, तो मॉनिटर की पोर्ट यहाँ अटैच होती है, जैसे कि ये डायरेक्शन दी गई है। ग्राफिक कार्ड्स एनेबल्स अ कंप्यूटर टू डिस्प्ले आउटपुट इमेजेस ऑन द स्क्रीन। तीसरा कार्ड जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इनेबल्स अ कंप्यूटर टू कनेक्ट टू दी एंड कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स। तो ये जो है मॉडर्म कार्ड, आजकल ये तकरीबन एब्सोल्यूट हो चुका है, आजकल इसका इस्तेमाल नहीं है। मॉडर्म कार्ड इज़ यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल डाटा ओवर टेलीफोन वायर्स, यूजुअली इट इज़ यूज्ड फॉर डायलअप इंटरनेट कनेक्शन, जो कि आजकल ख़त्म हो चुका है। तो एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या हैं, एन एक्सपेंशन स्लॉट इज़ अ लॉन्ग नैरो सॉकेट्स ऑन द मदरबोर्ड इन टू विच डिफरेंट एक्सपेंशन कार्ड्स कैन बी प्लग्ड इन। देयर आर डिफरेंट थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट्स, ईजा स्लॉट्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर्स, आजकल ये तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। इट इज़ अ स्लो स्पीड स्लॉट्स यूज फॉर मॉडर्म्स, रेयर टू बी फाउंड इन मॉडर्न कंप्यूटर्स, आजकल इसमें ये दस्तियाब नहीं है, एब्सोल्यूट हो जाएंगे।
पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरनेट कनेक्ट, ये जो स्लॉट्स हैं इट इज़ फास्टर इन स्पीड्स देन ईजा स्लॉट इज यूज टू फॉर साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड्स, नेटवर्क कार्ड एंड मॉडम कार्ड। इसमें हर किस्म की, इस स्लॉट्स में हर किस्म की जो है वो अपना आप कार्ड लगा सकते हैं। AGB स्लॉट जो है पोर्ट एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट से कहते हैं, इट इज़ हाई स्पीड स्लॉट यूज ओनली फॉर ग्राफिक्स एंड 3D ग्राफिक कार्ड्स। ये एक मदरबोर्ड का दिया गया है। PCIe स्लॉट्स हैं, ये AGBs हैं, ये AGBs हैं, ये AGBs हैं, ये AGP स्लॉट है और ये फैन है। तो आज का हमारा टॉपिक्स जो है यहीं तक तम पज़ीर होते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हाज़िर होंगे आगे अगले टॉपिक के लिए। स्टूडेंट्स इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले टॉपिक में। ओके, अल्लाह हाफिज़।